समर्पित संदीप उन्नीकृष्णन, संदीप उन्नीकृष्णन मेजर सर थे, वो बहुत छोटी आयु के अंदर मुंबई अटैक के अंदर शहीद हो गए थे। संदीप उन्नीकृष्णन के नाम पर उनके स्मारक थे, उनको हमेशा 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 शहीदों को याद रखने के लिए टीकेडी ने एक नव प्रयास किया है और उन्नीकृष्णन जी के नाम से एक मिशन को लॉन्च किया है जो आज तक संपर्क क्रांति को लेकर जाएगा। संदीप उन्नीकृष्णन जी को सलामी और सत सत नमन। थैंक यू। शनिवार जुलाई 1 और आज राजस्थान संपर्क क्रांति को लेकर जा रहे संदीप मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के नाम से डेडिकेटेड समर्पित करेक्टर ऑफ स्टील लोको जो कि लॉन्च किया है टीकेडी ने, शानदार इंजन। भारत के लोग 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को अभी तक नहीं भूल पाए हैं। इस दिन आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल में लोगों को और ताज होटल को भी बंधक बना लिया था, उनमें से बहुत से लोगों को मार डाला। इस दिन हमारे देश के कई पुलिसकर्मी, सेना और एटीएस के जवान भी शहीद हुए थे और उन्हीं शहीदों में से एक थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने उस वक्त बहादुरी से न सिर्फ लोगों की जान बचाई बल्कि आतंकियों को मुँह तोड़ करारा जवाब दिया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म 15 मार्च 1977 को केरल के कोझिकोड जिले में हुआ था और उनका परिवार मलयाली था। मेजर संदीप के पिता के उन्नीकृष्णन जो एक इसरो के अंदर अधिकारी थे, उनकी माता धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन वह एकलौती संतान थी और मेजर संदीप आर्मी में जाने का इनका बहुत इच्छा थी और इसलिए आर्मी में चले गए थे। 1995 में वह एनडीए में शामिल हुए और उन्हें 13 जून 2005 को मेजर बना दिया गया था और भारतीय सेना की सबसे घातक फोर्स एनएसजी कमांडो में उन्होंने बहुत अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त की थी और ये ग्रेडिंग भारतीय सेना में सबसे अच्छी ग्रेडिंग मानी जाती है जो उन्होंने हासिल की गई थी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की टीम जब मुंबई पहुंची तो शुरुआत के अहम 10 घंटे बीत चुके थे। ताज होटल ऐसी एक इमारत थी जिसके अंदरूनी हिस्से की जानकारी टीम में किसी को भी नहीं थी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनके पास होटल का कोई नक्शा भी नहीं था, अंदर कितने आतंकी हैं ये भी नहीं पता था, किस कमरे में कितने लोग हैं कुछ आइडिया नहीं था, मेहमानों में कोई बंधक नहीं था, उन्हें इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। इसके साथ ऊपर होटल के अंदर अंधेरा भी था और आतंकी समय समय पर आगजनी भी कर रहे थे, लेकिन जब विपरीत स्थिति हो सब श्रेष्ठ योद्धा को ही बुलाया जाता है। तो 14 एनएसजी कमांडो अलग अलग रास्तों से ताज होटल में दाखिल हुए थे, उनमें से मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी हिट टीम के साथ नीचे की मंजिल से सीढ़ियों से उतरकर पहली मंजिल की ओर चल दिए। रात के करीब 1 बजे का समय था। मेजर संदीप की टीम में उनके साथ सुनील जोधा, मनोज कुमार, बाबूलाल और किशोर कुमार थे। ये आतंकवादी बेहतर स्थिति में थे, उन्होंने एनएसजी कमांडो की परछाई देखी थी और उनके आने का इंतजार कर रहे थे। मेजर उन्नीकृष्णन अपने दो कमांडो के कवर फायर की मदद से गोली की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तभी एक ग्रेनेड और गिरा। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन गोलियां उन्हें ही भेजती रही, वे अपने साथियों की ढाल बनकर सबकी रक्षा करते रहे और इस प्रकार उन्होंने अपनी वीर गति को प्राप्त हुए। एक भारत में बहुत ही शानदार योद्धा पल में ही गंवा दिया, जिसका हमें सदैव दुख है और उनकी सच सच नमन।